अपनी तरफ से आपको और आपके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में सेब से जुड़े मुद्दे हमेशा मैंने उठाए हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र सेब बहुल क्षेत्र। पिछली विधानसभा में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि अफगानिस्तान के रास्ते जो ईरान का सेब आ रहा है, उससे हमारी आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझौता है। ये क्षेत्र साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत आता है। ईरान से जो सेब आ रहा है उस पे आयात शुल्क नहीं लग रहा है, इस कारण वो सेब मार्केट में सस्ता है। और अभी जो कोल्ड स्टोर में बागवानों ने सेब रखा था, क्योंकि ऑफ सीजन में इस सेब को मार्केट में बेचा जाता है, इस उम्मीद के साथ ये अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि इतना सेब 30 देशों से सेब यहाँ आ रहा है, जो दाम है वो 800 से 1200 रुपए मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार यही दाम लगभग 2000 से ज्यादा थे और लागत कोल्ड स्टोर में रखने की लगभग 400 रुपए पर पेटी आती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है बागवानों को हो रहा है। जब ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद प्रदेश सरकार ने ये मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखा और थोड़े दिनों के लिए ये आयात रुका, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हुआ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सिंडिकेट दिल्ली में बैठ के काम कर रहा है। जो दिल्ली में बैठी सरकार है उनकी बात को सुन रही है और अवैध तरीके से हमारे प्रदेश देश में सेब को आने की इजाजत जो है मिल रही है। हमारी 5000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है और इस आर्थिकी पे पूरा संकट है। आपको याद होगा एक मुद्दा मैंने उठाया था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के समय से पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा हिमाचल की जनता से किया था कि हम आयात शुल्क को 50% से 100% करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी और कोका कोला, उसमें सेब की मात्रा जो है मिलाई जाएगी। हालांकि हमें मालूम था कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका अपना फार्मूला है, वो तो अपने फार्मूले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन लोगों को लुभाने का प्रयास हो। और अभी 100% की बात तो छोड़िए, 50% से 30% कर दी, जिससे अमेरिका से भी सेब भारी मात्रा में यहां आया और हमारे सेब के दाम जो है यकायक गिर गए। और अभी लगातार जो किसान और बागवान है वो सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। खाद्य महंगी, दवाइयां महंगी और ऊपर से केंद्र सरकार का जो उदासीन रवैया किसानों और बागवानों के प्रति है,
कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती और किस तरह से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या आड़ती हैं जो सेब का कारोबार करते हैं उन्हें खुली छूट है कि किसानों और बागवानों को लूटा जाए। हम फिर से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से शुल्क 100% करें आप और जो अवैध रूप से सेब हमारे देश में आ रहा है उसे तत्काल रोकने की जरूरत है। एक विषय और महत्वपूर्ण है कि हमारा जो चुनाव क्षेत्र है ठेऊ कुमारसेन चुनाव क्षेत्र, हमारा जो कोटगढ़ क्षेत्र है वहां जो अभी प्लम की फसल है उस पर प्रदूषण की मार पड़ रही है क्योंकि SUN का वहां प्रोजेक्ट चल रहा है, लगातार डंपिंग हो रही है और उस कारण जो फ्लोरिंग है वो टाइम पे नहीं हो रही, फ्लोरिंग में जो है सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है और अभी सेब का की भी शुरू हो रही है। तो हमारा जो प्रदूषण विभाग है हम उनसे भी बात कर रहे हैं इस पे निगाह रखे और कम से कम कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे फ्लोरिंग के समय सेटिंग में बाधा आती है कम से कम उस समय तक रोके जाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप कोई पूछना चाहें? सर अभी मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने और राष्ट्रीय स्तर पर BJP कह रही है कि 50 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है देश को आजाद हुए और कांग्रेस फिर से वही बातें कर रही है, गरीबी का जिक्र है उसमें, बेरोजगारी का जिक्र है, महंगाई है, दूसरे मुद्दों को नहीं छोड़ रही है, उसी को लेकर जो है जनता के बीच में जा रही, लोगों को गुमराह कर रही है और विभाजन की ओर जो है ये मैनिफेस्टो ले जाएगा इंडिया को, ऐसा कहा है BJP के हिमाचल के अध्यक्ष ने। देखिए अब हिमाचल के अध्यक्ष ने अगर ये टिप्पणी की है तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, क्या आज की तारीख में बेरोजगारी कोई इशू नहीं? मैं यहाँ उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व वो जो संकल्प पत्र लेके आए थे उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तभी 10 साल हो गए 20 करोड़ रोजगार बनते, तो रोजगार कहाँ गए? उल्टा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। तो क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी आज इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है लेकिन देश की जनता के लिए। और दूसरी बात कौन सी कही उन्होंने, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर? अब क्या आज महंगाई इशू नहीं है? 10 वर्ष पूर्व से आप अभी तुलना कीजिए, लगातार महंगाई बढ़ रही, सिलेंडर लगभग, गैस का सिलेंडर लगभग 3 गुना बढ़ा है, जो खाने की दालें तेल है अगर आप मार्केट में जाएं वो भी लगभग 2 गुना 3 गुना हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको महंगाई नजर नहीं आती? और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पिछले जो प्रेस वार्ता में मैंने इस विषय में खुल के बात की थी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सार्थक है। रही देश को के विभाजन की बात, देश को अगर आज़ादी मिली है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में जो है जन आंदोलन चला और देश को आज़ादी मिली। और उस समय ये लोग कहाँ थे जो इनके पूर्वज थे या जिस विचारधारा से ये लोग संबंध रखते हैं? और देश की एकता और अखंडता की बात आई तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने
इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई, अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए, और जब जब भी इस देश पर आक्रमण हुए, कांग्रेस की सरकारें रही, हमने बड़ी मजबूती से सामना किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, और देश की एकता और अखंडता पे अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है इनकी वजह से खतरा है, क्योंकि आज देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आज देश की विभाजन की अगर बात करें तो देश का विभाजन का प्रयास कौन कर रहा है जो भाई को भाई से लड़ा रहा है? इस प्रश्न का भी मैं उनसे जवाब चाहता हूँ। सर, भाजपा ये भी कह रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए हर कोई इसको छोड़ना चाहता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पिछले काफी दिनों से ये प्रश्न पूछा जा रहा, आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जहाज से हमारे जहाज में आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जहाज से अगर उनके जहाज में जा रहे हैं तो वहां तो संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डूबने वाला तो उनका जहाज है, और हमारे जो वहां उनके जहाज में जो नए लोग हैं, और जब लगेगा उनको जहाज ढूंढने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में सवार होंगे उनको वो समुन्द्र में फेंकेंगे, है ना? तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जहाज तो हल्का हो रहा है, तो हल्का जहाज तो डूबता नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है, तो निश्चित तौर पे उनका जहाज जो है उस भार को सहने की क्षमता नहीं रखता। जहाज तब डूबेगा सर जब उसमें छेद होगा, तो कांग्रेस के लोग छेद करेंगे भाजपा के जहाज में। हो सकता है, मैंने तो एक बात मजाक में कही कि हो सकता है, एक रणनीति भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगवा की जगह तिरंगा झंडा हो, क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी बीच किस सोच से जा रहा है, ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके उनके कार्यकर्ता है, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास करें, तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी। सर, प्रत्याशियों के नामों में बड़ा समय लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बीजेपी उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट तय कर चुकी है, और लोकसभा के लिए चारों सीटों पर प्रत्याशी आ गए हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस में अभी मंथन ही चल रहा है। क्या कोई प्रत्याशी मिल नहीं पा रहा है, चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्याशियों की लंबी सूची है, लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है, और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आला कमान जो है प्रत्याशियों को लेकर फैसला करने वाले।